2018 में राजस्थान में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव मसूदा से कांग्रेस के राकेश पारिख ने जीत दर्ज की थी। मसूदा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुशील कंवर और कांग्रेस के राकेश पारिख के बीच मुकाबला था। मसूदा सीट पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुशील कंवर ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के ब्रह्मदेव कुमावत को हराया था। इस सीट पर करीब 15% अनुसूचित जाति आबादी है। अगर बीते दो चुनाव की बात की जाए तो 2013 के चुनाव में बीजेपी ने सुशील कंवर को मैदान में उतारा था, कांग्रेस की तरफ से ब्रह्मदेव कुमावत को मैदान में उतारा था। बीजेपी की सुशील कंवर चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने रामचंद्र को मैदान में उतारा था। निर्दलीय के तौर पर ब्रह्मदेव कुमावत मैदान में थे। इस चुनाव में निर्दलीय के तौर पर ब्रह्मदेव चुनाव जीते थे। मसूदा सीट अजमेर जिले के अंतर्गत आती है। अजमेर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है। इनमें 7 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए जिले की सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बार इस सीट पर कौन कौन दावेदार है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से राकेश पारिख को ही मैदान में उतारा जाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से ब्रह्मदेव और रामचंद्र भी फिर से दावेदारी ठोक सकते हैं। यह धर्मेंद्र राठौड़ को भी मसूदा से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन सचिन गुटके होने की वजह से राकेश पारिख का टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से सुशील कंवर फिर से ताल ठोक सकते हैं। हालांकि उनको टिकट मिलेगा इसकी संभावना कम है।